हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कंसाइनमेंट में इन्फो रिकॉर्ड कैसे करते हैं। कंसाइनमेंट प्रोसेस में इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए टीकोड ME11 यूज करते हैं। चलिए SAP में कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको SAP में टीकोड ME11 रन कर देना है। इस टीकोड को रन करते ही इस तरह से जो मेरा इन्फो का पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम सारा डिटेल रिक्वायर्ड एंट्री फिलअप कर देंगे, जैसे कि डिलीवरी टाइम, परचेज ग्रुप और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी, यहाँ पे नेट प्राइस। इन सारे डाटाओं को फिलअप कर देने के बाद हम इस इन्फो रिकॉर्ड को सेव कर लेंगे। इस तरह से जो हमारा कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसका परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड का। परचेस ऑर्डर क्रिएट करने का टी कोड ME21N है। इस टी कोड को रन करते ही ये जो परचेस ऑर्डर का स्क्रीन है वो शो करने लगता है। यहाँ पे वेंडर फिलअप कर देना है। वेंडर फिलअप कर देने के बाद इंटर कर देना है और जो ऑर्गेनाइजेशन डाटा है वेंडर का वो भी फिलअप कर देना है। इस तरह से जो रिक्वायर्ड एंट्री है सारे फिलअप कर देना है। यहाँ पे हम मटेरियल भी फिलअप कर लेंगे। जो ये हमारा मटेरियल है, मटेरियल फिलअप करने के बाद इसका क्वांटिटी भी फिलअप कर देंगे, क्वांटिटी और नेट प्राइस, प्लांट स्टोरेज लोकेशन। इस तरह से मटेरियल एंटर कर लेना है। मटेरियल के बाद क्वांटिटी, नेट प्राइस, प्लांट स्टोरेज लोकेशन, फिर इंटर। और यहाँ पे आइटम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आइटम कैटेगरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंसाइनमेंट प्रोसेस के लिए। इस तरह से सारे डाटा फिलअप करने के बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जो परचेस ऑर्डर है वो क्रिएट हो जाता है। इस तरह से जो परचेस ऑर्डर है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे इस कंसाइनमेंट मटेरियल का स्टॉक है या नहीं। इसके लिए हम टी कोड /NMMBE यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा मटेरियल ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो मटेरियल हमने इन्फो रिकॉर्ड में लिया था वो मटेरियल यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह से आप देखेंगे जो मटेरियल कंसाइनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं उस मटेरियल का स्टॉक यहाँ पे आ चुका है।